सभी को बदल देती है। और कुछ इसी तर्ज पर दिल्ली वाले दिल्ली की राजनीति की नई पटकथा लिखने के लिए सुबह 8 बजे से अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन क्या है बड़ी खबर, क्या है सबसे पहली तस्वीर, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए किरण बेदी किस तरह से सुबह कार पर चढ़ी किरण बेदी, किस तरह से कृष्णानगर की गलियों में दौड़ी किरण बेदी। कृष्णानगर की गलियों में दौड़ने के बाद किरण बेदी ने यह कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की दौड़ है। सुबह कार पर चढ़ करके पहले किरण बेदी ने वहां पर मौजूद वोटरों का इस्तकबाल किया, वहां के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आरती मेहरा के साथ में थी किरण बेदी और उसके बाद इसी कार के आगे के शीशे से फिसल करके आई। और हालांकि कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा कि देखिए बिल्कुल कार को भी पैराशूट बना लिया, जिस तरह से 24 दिन पहले पैराशूट पॉलिटिशियन के तौर पर बीजेपी ज्वाइन की थी किरण बेदी ने। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर की तासीर यह है, जैसा कि मैंने ये कहा कि दिल्ली वाले आज यहां की राजनीति की नई पटकथा लिखने वाले हैं। नतीजे कुछ भी हो, सरकार किसी की भी बने, लेकिन इन चुनाव के बाद दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ, या यूं कहें कि सब कुछ बदलने वाला है। और सब कुछ बदलने के बीच में इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने किरण बेदी के साथ में बातचीत की है, देखिए। आपको कृष्णानगर में आपको लगता है कि जीत तय हो गई, इसको देखिए ये जीत की तरफ भाग रहे हैं, ये जीत की तरफ बड़ी तेज गति से बीजेपी भाग रही है। 2/3 मेजोरिटी से पास होगी। किरण जी कृष्णानगर में आरोप लगा है कि विकास की ओर ले जाएंगे। किरण जी कृष्णानगर में आरोप लगा है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, आप इसको कहां तक सही मान रहे हैं? आपने लड़की की उसका लड़की का सबूत पड़ी, मुझे क्या कहना है? आप लड़की के सबूत से उस लड़की का सबूत सुनिए। जो लड़की ने आपने पे इन्वेस्टिगेशन कोई जांच की मांग की है, ये जाएगा इलेक्शन कमीशन। आपने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हारने का चांस है, इसलिए किरण जी आरोप लगा रही हैं। लड़की को मैं बुलवा रही हूँ, औरत को मैं बुलवा रही हूँ, पुरुष को मैं बुलवा रही हूँ, सबको 300 रुपए और खाना मुफ्त, 300 रुपए और खाना मुफ्त। और लड़की कह रही मेरी औरत कह रही है हाथ पे ऐसे ऐसे करे उन्होंने, सो ये हाल है उसका। मैंने नहीं बोला, आपने तो आपके मीडिया ने उसको रिकॉर्ड किया और वही टेलीविजन पे है, मुझे से नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, मेरे से मत पूछिए। उस लड़की, उस बेटी का बयान, उस माँ का बयान, उस पुरुष का बयान, वही दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। यह है किरण बेदी जो कह रही है, अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं, उनको उस लड़की से जाके पूछना चाहिए कि वो क्या बात कह रही है, उसकी बात में कहां तक सच्चाई है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, खुद अरविंद केजरीवाल को ऐसे आरोप लगाने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी वोट खरीद रही। कैमरामैन कमल नेगी के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।